इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी वाली इंडियन टीम पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने के बाद इस टूर्नामेंट में भी कमाल कर रही है। 14 सितंबर शनिवार को उन्होंने पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया और लगातार 5 मैच जीत नंबर 1 पर रहते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंडिया ने अब पाकिस्तान पर लगातार 17 मैच ना हारने की स्ट्रीक भी बना ली है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अनुसार इंडियन टीम पाकिस्तान से साल 2016 से नहीं हारी है। चाइना में हुए इस मैच को बेशक इंडिया ने 2-1 से जीता हो, लेकिन ये एकदम बराबरी का मैच था और एंटरटेनमेंट से भरा भी। मैच में कई रैश टैकल्स हुए, अग्रेसिव बातचीत हुई और अंत में दोनों टीम्स को एक एक प्लेयर को भी खोना पड़ा। इतना माहौल बनाने के बाद अब आपको पूरा रिकैप देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीम्स ने इस मैच की शुरुआत एकदम आक्रामक अंदाज में ही, लेकिन 8वें मिनट में ही पाकिस्तानी टीम ने गोल कर टीम इंडिया को बैकफुट पर डाल दिया। 19 साल के हनन शाहिद ने कमाल के पास से इंडियन डिफेंडर्स को चौंकाते हुए गेंद को डी तक पहुंचाया और यहां से बाकी का काम नदीम अहमद ने कर दिया। पाकिस्तान 1-0 की लीड मिल गई। इस सेटबैक के बाद ओलंपिक्स मेडलिस्ट टीम ने वापसी की, बॉल को ज्यादातर समय अपने कब्जे में रखा और इसका फायदा भी उठाया। 13वें मिनट में इंडिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला। इस पर कप्तान हरमनप्रीत ने अपना कमाल दिखाया और इंडिया को बराबरी पर ला दिया। पहले क्वार्टर का अंत 1-1 की बराबरी पर हुआ। दूसरे क्वार्टर में कप्तान हरमनप्रीत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील कर दिया। इंडिया मैच में 2-1 से आगे थी। हाफ टाइम के बाद भी इंडिया आगे रहा। तीसरे और चौथे क्वार्टर में भी दोनों टीम्स ने अटैकिंग स्टाइल में खेला। टीम इंडिया लगातार चौकन्नी रही और इंडियन गोलकीपर कृष्णा पाठक ने भी कोई गलती नहीं की। उन्होंने पाकिस्तान के गोल काउंट को बढ़ने नहीं दिया और मैच को भी इंडिया के हाथ से जाने नहीं दिया। अंत में बता दें कि इंडियन प्लेयर्स इस जीत से खुश नहीं हैं। मिडफील्डर नीलकांता शर्मा ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में टीम के प्रदर्शन को बिलो पार बताया और साथ में कहा कि वो लोग खुश नहीं है। अब टीम इंडिया का सेमीफाइनल मैच 16 सितंबर को होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूं गरिमा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।